हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अभिनेता सतीश कौशिक के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। इस पर कई बड़ी हस्तियों ने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। वहीं सतीश कौशिक के फैंस के लिए भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उनके चहेते एक्टर सतीश कौशिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। सतीश कौशिक एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, जो न केवल एक सफल अभिनेता है बल्कि एक प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक भी है। उन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक भारतीय फिल्म उद्योग में काम किया है और बॉलीवुड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए आज नजर डाल लेते हैं अपने दमदार अभिनय और शानदार कॉमेडी के लिए जाने जाने वाले अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक के जीवन पर। सतीश का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के करोलबाग से की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया। साल 1978 में वहां से पास आउट होने के बाद उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई की। सतीश कौशिक ने एक मंच अभिनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। दिल्ली के कुछ प्रमुख थिएटर समूह के साथ उन्होंने काम किया। 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई जाने का निर्णय लिया। सतीश कौशिक ने अपने करियर की शुरुआत बतौर सहायक निर्देशक शेखर कपूर के साथ फिल्म मासूम से की। इस फिल्म में सहायक निर्देशक होने के साथ साथ उन्होंने इस फिल्म में अभिनय भी किया। उन्होंने बतौर निर्देशक अपने करियर की पारी की शुरुआत की। अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर फिल्म रूप की रानी चोरों के राजा से की, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। उसके बाद उन्होंने प्रेम फिल्म निर्देशित की, जो फिल्म अभिनेत्री तब्बू की पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने अनिल कपूर और ऐश्वर्या को लेकर फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं निर्देशित की, जो कि उस समय की हिट फिल्म साबित हुई थी। सतीश सिर्फ निर्देशन में ही नहीं बल्कि अभिनय में भी काफी मंजे हुए थे। उन्होंने सारी फिल्मों में बतौर सहायक कलाकार की भूमिका अदा की। सतीश कौशिक की सबसे यादगार फिल्म मिस्टर इंडिया है, जिसमें उन्होंने कैलेंडर का किरदार निभाया था, जिसके बाद लोग उन्हें कैलेंडर के नाम से भी संबोधित करने लगे थे। फिल्मी जगत में अपने बेहतरीन योगदान के लिए उन्होंने कई सारे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और अभी हाल ही में 8 मार्च 2023 को गुड़गांव में 66 साल की उम्र में सतीश कौशिक को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। अपने काम के प्रति उनके जुनून और समर्पण ने उन्हें फिल्म उद्योग में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया है। फिल्म जगत में दिए गए बहुमूल्य योगदानों के लिए उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। टीवी 100 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।